गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारी को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें प्रोजेक्टरों के माध्यम से वीवीपैट और ईवीएम को बंद करने की जानकारी दी गई। उसके बाद मुख्य कार्मिक प्रशिक्षण अधिकारी बीएन मिश्रा ने प्रशिक्षण देते हुए अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट की बारीकियों के बारे में बताया। ईटी यानी पोल शुरू होने का समय, उसको खोलना बंद करना बहुत टिपिकल नहीं है, देखने में लग रहा है। जो आपने भी वीडियो में देखा होगा, तीन चार तरह के तार दिखाई दे रहे हैं, दो तीन तरह के दरवाजे, देखने में टिपिकल जरूर लगा होगा, लेकिन जब आप समझेंगे तो बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। बस उसके तीन तार हैं, एक तो वीवीपैट से जो निकला हुआ तार है उसके प्लग को कंट्रोल यूनिट से जोड़ना है, और जो बैलेट यूनिट का केबल है, बैलेट यूनिट वाले केबल को इससे आपको वीवीपैट से जोड़ना है। ये प्रक्रिया आप वहाँ एक बार दो तीन बार करके देख लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। दूसरी बात आपको ये बताएं कि जब आप फाइनल ड्यूटी के लिए, जब दूसरा वाला जो ड्यूटी आपको जाएगा, नियुक्ति पत्र जाएगा, तो उसमें ये पता चल जाएगा कि आपकी ड्यूटी किस विधानसभा क्षेत्र में है। चूँकि गोरखपुर संसदीय निर्वाचन में, संसदीय क्षेत्र में कुल 5 विधानसभाएं हैं, सहजनवा, पिपराइच, शहर, ग्रामीण और कैंपियरगंज। 5ों की जो पोलिंग पार्टीज हैं यहीं से जाएंगी। उसमें जो खजनी है, खजनी विधानसभा की, सॉरी जो सहजनवा विधानसभा की एक विधानसभा की पार्टी है, जो आप जब जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो वहीं पे बोर्ड पे ये लिखा रहेगा कि सहजनवा विधानसभा इस बिल्डिंग से, शहर इस बिल्डिंग से, ग्रामीण इस बिल्डिंग से, एरो भी बना रहेगा। तो एक विधानसभा जो आपकी संवाद भवन से जाएगा वो थोड़ा सा अलग है।